हेलो भाई, वेलकम माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देखे कुछ सीन की मैं जा रहा हूँ, नहीं अभी सीन कहाँ देखे, अभी तो स्टार्ट हो रही है, वो तो थंबनेल था। अभी जा रहा है चिकन बनाने और उसका फुल डिटेल्स आपको बता दे थोड़ा सा। रुकिए, लाए थे 1.5 किलो यार, खरीद करके बहुत पैसा लग गया है। देखिए यहाँ पे ये रहा चिकन और बढ़िया से धोए हैं यार, और आज हम खुद अपने हाथों से जा रहे हैं बनाने। सो आप लोग ब्लॉग में अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए लाइट एक उधर लगाए हैं आप लोग के लिए ताकि फेस पे थोड़ा लाइट ज़्यादा पड़े, और इधर है एक, देखिए भाभी हाय। तो ये लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लोग खाती पीती नहीं है सब, तो हम खाते हैं तो इसीलिए हम बनाने बैठेंगे। सो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, चलते हैं बनाते हैं और कैसा लगेगा खा कर बताएंगे आपको। आप तो कौन कौन लोग खाते हैं वैसे बताइएगा। सो अभी देखिए प्याज भाभी काटने जा रहे हैं, तो अभी वो प्याज काटेंगी, और ये रहा मेरा भतीजा। तो देखिए प्याज काटो बबुआ, ये भी कुछ कुछ करवाता है भाई। और देखिए ऊपर से भी हम किस चीज़ में भैया बनाएंगे, शायद बनाएंगे आप देखते हैं, कोई नहीं बनाएगा तो बना देंगे। हाँ तो यही बनाएंगे, हम आपको दिखाएंगे पूरा क्लिप। और देखिए यहाँ से लेंगे, ये है कढ़ाई, तो देखते हैं इसमें शायद दो कढ़ाई मिलेगी। अरे यार काफ़ी ऊँचा है, देखिए पैसे भी ले रहे हैं। चलिए अभी आ गए ये नीचे, और देखिए इसमें दो है तो इसमें बनेगा, बहुत बड़ी कढ़ाई है तो इसी में हम लोग बनाएंगे। और चूँकि देखिए पहले से प्लानिंग नहीं था तो इसीलिए खाना पीना बन गया था। देखिए यहाँ पे रोटी, और इसमें है चावल, और फिर इसमें है क्या, भुजिया। आप देख सकते हैं गांव में कैसे भुजिया बनता है। आलू का है और क्या है जी इसमें, बरबट्टी, आलू बरबट्टी का भुजिया है। सो अभी आया है चिकन, हम लाए जा करके मार्केट से, और फिर चिकन बनाएंगे, फिर बताएंगे आपको कैसा लग रहा है स्वाद। सो आप तक जुड़े रहिएगा वीडियो में। तो अभी देखिए इनको थोड़ा प्याज लग रहा है, क्योंकि हमको भी प्याज लगता है। प्याज लगा था हाँ। देखिए इधर कैमरा में रो रही है बेचारी, गांव जाएंगी का जी। देखिए प्याज लग रहा है, क्योंकि ये देखिए भुअरा वाला प्याज है थोड़ा, ये रेड कलर का एक आता है ना ब्लैक ब्लैक, और ये दूसरा कलर का है। तो चलिए भी देखिए यहाँ पे चिकन अब डलाएगा, ठीक है भैया बना रहे हैं, तुम कुछ बोलिए। ये देखिए हमने प्याज को कुछ तरह से भून दिया है तेल में फ्राई, अब इसके अंदर डालने वाले हैं ये चिकन। ये देख लीजिए ये प्याज पक चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन जो क्लीन करके रखा गया है इसके अंदर। ये रहा चिकन, और अभी इसमें देखा जाए तो डाल रहे हैं मसाला, जो कि मसाले के बिना चिकन बिल्कुल बेकार लगता है। तो देखिए अभी मसाला में क्या क्या डाले हैं जी। मिर्ची पाउडर डलाया है, और अभी डालेंगे क्या, तो देखिए इधर अपलोड हो रहा है, देखिए अपलोड हो रहा है मिक्सर मसाला। इसमें सब कुछ मिलेगा, जीरा मरीच और धनिया, ठीक है, और यही है मसाला। इतना काफ़ी है। आप लोग कैसे बनाते हैं लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन देखिए अभी कैसा इसका रंग चेंज हो जाएगा चलाते ही। और अभी 20 मिनट के बाद आपसे मिले, लेकिन 20 मिनट में अभी 5-4 मिनट का वीडियो होने जा रहा है, और देखिए अभी चलाएंगे। चलाइए थोड़ा कैसा लग रहा है, देखिए थोड़ा इसका रंग, देखिए ऐसे ही भूज कर आप भी बनाइएगा कभी बनाते हैं तो भाई लोग, देखिए कितना मस्त बनने लगा। अब होटल में आप जाएंगे तो इन्हीं पीस का, आप देखिए इसमें से दो पीस लेंगे, एक पीस 45 रुपये का, और चावल का ले लेते हैं 40 रुपये प्लेट, तो सोच लीजिए कितना महंगा पड़ता है। और 240 रुपये के 1 kg अगर लाते हैं तो पूरा परिवार खा लेगा। तो देखिए थोड़ा फ्रंट वाला कैमरा किए, क्योंकि इस तरह से हमें थोड़ा थंबनेल लेना है, तो यहीं का थंबनेल थोड़ा लेंगे। और अभी देख सकते हैं कैसे बनकर अभी रेडी हो चुका है अपना चिकन, और बनाने वाले खाते टाइम बताएंगे आपको कि टेस्ट कैसा है, टेस्ट ऐसा नहीं रहेगा वही बताएंगे आपको, ठीक है बताएंगे खा के कैसा बना है। चलिए देखिए यहाँ पे ये, अब इसमें से टेस्ट कर रहे हैं कि कैसा बना है, बताइए थोड़ा खाइए। देखिए गाइस कुत्ते का मीट कैसा लग रहा है खाने में। कुत्ते का मीट नहीं है जी, सुपर सुपर। देखिए खुद से बनाए हैं और खुद से बड़ाई भी कर रहे हैं, अब हम खाएंगे तब तो आपको बताएंगे कि कैसा बना है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं रंग रूप कैसा है मतलब चिकन का, और यहाँ पर देखिए धनिया वनिया कुछ भी नहीं डाले हैं, यहाँ पे एवरेस्ट का मीट मसाला है ये भी, और हम टेस्ट करेंगे उसके बाद आपको बताते हैं। लेकिन नहीं हम खाएंगे तब टेस्ट करके, रहने दीजिए आप अपना खा लीजिए। तो अभी बनके चिकन हो चुका है रेडी, क्या जी बन गया है ना। तो अभी देख रहे हैं कितने देर लगा तभी बनाने में, टाइम 10 मिनट के आसपास, मतलब 30 मिनट भाई लग गया, 20 मिनट खाली भूजने में लगा था इसको, और बाकी का काम आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। अब चलिए एक बार बैठकर इसके साथ शुरुआत देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं शुरुआत रस, बहुत चीज इसको बोलते हैं, ग्रेवी भी बोलते हैं। हाँ तो ऐसे ऐसे करके इसका बहुत से नाम से जाना जाता है। तो चलिए अभी इसको खाने बैठेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा दिखाते हैं हम। तो फाइनली भाई अभी हम बैठ चुके हैं खाना खाने,
और थोड़ा फैन भी चालू कर लेते हैं, खाएंगे। अब शुरू हो गई फैन, और ये रहा अपना चिकन। हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, देखिए इतना ही चिकन अभी सब आप देख सकते हैं। खाकर एक बार बताते हैं कैसा है स्वाद, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो देखिए अभी इस प्रकार से ये एक रोटी लिए हैं और ये चावल लिए हैं, तो देख सकते हैं अभी किस प्रकार से बना हुआ है, और अब हम टेस्ट करके बताएंगे इसको। तो भाई आइए आप लोग भी देखिए, आने जा रहे हैं, पहला कौर है। तो सॉरी भाई लोग, आप लोग बस देख रहे हैं, अब मैं नहीं जानता आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानता, लेकिन अब हमें खाना होगा। तो देखिए फैन चल रही है तो थोड़ा आवाज़ ज़्यादा मिल रही होगी, बताते हैं स्वाद इसका। अभी ठीक है ना, खा लीजिए उसके बाद बताएंगे, ठीक है। थोड़ा नमक ज़्यादा है, बढ़िया है, हम मजाक कर रहे, थोड़ा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा मिर्च जो है ना वो ज़्यादा हो गया है आपको लेकर, मतलब हम खा लेंगे इतना, लेकिन रात खा रहे तो बोलते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है। हाँ देखिए ये तो बहुत कम लेकर बैठे हैं, देख सकते हैं। हेलो गाइस, मेरा पीस और रहा सुपर और सुपर से ऊपर, ठीक है। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और देखिए चिकन कैसा है। बाय बाय सभी को।